हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदा अग्रवाल आज आपको बिकस में प्लस वन का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ। इससे पहले हमने प्लस फोर, प्लस थ्री, प्लस टू का कॉम्बिनेशन सीख लिया है। आज हम प्लस वन का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो प्लस वन का कॉम्बिनेशन होता है प्लस फाइव माइनस फोर। जैसे कि हमारे पास फोर बिट्स है और हमें प्लस वन करना है। फोर बिट्स तो है ही हमारे पास पहले ही, अब हमें प्लस वन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा बिट्स नहीं है। डाउन में हमारे पास फोर बिट्स है, एक्स्ट्रा वन बिट्स नहीं है, इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्लस फाइव माइनस फोर दैट इज़ फाइव। तो इस तरह से हम अपने इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। चलिए कुछ सम्स देख लेते हैं। सबसे पहले सम्स लेते हैं, फर्स्ट सम्स नाइन माइनस फाइव वन। अब देखिए हमारे पास वन करने के लिए फोर बिट्स है, वन नहीं है, तो हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे प्लस फाइव माइनस फोर दैट इज फाइव। यहाँ पर आया फाइव। अब हम सेकेंड सम्स लेते हैं, फोर वन, वन के लिए कॉम्बिनेशन प्लस फाइव माइनस फोर, टू, टू के लिए एड टू दैट इज सेवन। ये हमारा आंसर आया सेवन। फोर वन, वन के लिए कॉम्बिनेशन प्लस फाइव माइनस फोर, प्लस फाइव माइनस फोर माइनस फाइव दैट इज ज़ीरो। यहाँ पर आंसर आया ज़ीरो। अब हम तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लेते हैं, वन थ्री वन। अब यहाँ पर फोर बिट्स कंप्लीट हो गई है, अब एक्स्ट्रा वन है, तो कॉम्बिनेशन प्लस फाइव माइनस फोर दैट इज फाइव। अब इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे, फोर वन, वन के लिए कॉम्बिनेशन प्लस फाइव माइनस फोर थ्री दैट इज एट। नेक्स्ट सम्स लेंगे, फोर वन, वन के लिए कॉम्बिनेशन प्लस फाइव माइनस फोर वन दैट इज सिक्स। इस तरह से हमारा आंसर आ गया सिक्स। थ्री वन वन, तो वन के लिए कॉम्बिनेशन, क्योंकि बिट्स नहीं है, प्लस फाइव माइनस फोर दैट इज फाइव। फोर वन, वन के लिए कॉम्बिनेशन प्लस फाइव माइनस फोर फोर दैट इज नाइन। इस तरह से ये हमारे सिंगल डिजिट के सम्स हमने कंप्लीट करे हैं। चलिए हम डबल डिजिट के सम्स देखते हैं। जब हम डबल डिजिट के सम्स लेते हैं तो हमें टेन प्लस में भी वही कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। तो जैसे कि प्लस वन है, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले ज़ीरो की पोजीशन एक पर सेट कर लें, फिर करते हैं सम्स को। देखिए टेन की पोजीशन है, तो टेन ये आ जाएगा। अब फोर कर देते हैं, हम फोर्टी कर देते हैं। अब हमें एट टेन करना, तो हम क्या करेंगे, एट टेन के लिए प्लस फिफ्टी माइनस फोर्टी। तो सेम वही है, बस हमने इसको वन यूनिट प्लेस की जगह टेन प्लेस करा है। तो चलिए सम से समझते हैं इसे हम। पहला सम्स लेते फोर्टी फोर इलेवन। तो अब दोनों टेंस और वंस दोनों में हमें फार्मूला यूज़ करना है। तो पहले हम टेंस का फार्मूला यूज़ करते हैं, प्लस फिफ्टी माइनस फोर्टी, और वंस का फार्मूला प्लस फाइव माइनस फोर ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री दैट इज सेवेंटी एट। यह हमारा आंसर आ गया। अब सेकेंड सम लेंगे, सिक्सटी फोर ट्वेंटी वन ट्वेंटी। अब हमें वंस में वन चाहिए, तो कॉम्बिनेशन प्लस फाइव माइनस फोर माइनस ट्वेंटी फाइव, माइनस ट्वेंटी फाइव दैट इज सिक्स जीरो सिक्सटी। अब दूसरा सम्स लेते, इसको देखेंगे, फोर्टी सिक्स ट्वेल्व। ट्वेल्व के लिए देखिए टेंस में हमें वन का फॉर्मूला लगाना है, तो ये क्या होगा, प्लस फिफ्टी माइनस फोर्टी टू, माइनस फिफ्टी थ्री, माइनस फिफ्टी माइनस थ्री दैट इज फाइव। अब ये वाला सम्स लेंगे, थर्टी फोर इलेवन। तो इलेवन के लिए टेन में वन कर लिए, अब वंस में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्लस फाइव माइनस फोर फिर इलेवन, यहाँ पर लगाना पड़ेगा आप, प्लस फिफ्टी माइनस फोर्टी और वन दैट इज फिफ्टी सिक्स। नेक्स्ट सम्स, फोर्टी टू ट्वेल्व। ट्वेल्व के लिए देखिए टेंस में फॉर्मूला, प्लस फाइव माइनस फोर फोर्टी है ना, अब टू ये, थर्टी वन, थर्टी
वन के लिए फॉर्मूला वंस में है ना, क्योंकि वन जो है यूनिट प्लेस का है, तो प्लस 5 माइनस 4 दैट इज 85। इस तरह से आप अपने सम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थोड़े से सम्स हैं जो मैंने आपके साथ बांटे हैं, आप अपने इस तरह के कुछ सम्स बनाइए और इसकी प्रैक्टिस करिए। डेली 15 मिनट्स की प्रैक्टिस आप ग्रो करेंगे। थैंक यू।